नमस्कार दोस्तों, एकमात्र भरोसेमंद MS न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है EPS 95 पेंशनर्स की तरफ से, तो सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और अपने फेसबुक और व्हाट्सएप मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास ही में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। नेशनल एजुकेशन कमेटी के अध्यक्ष श्री अशोक जी रावत ने लिखा है, महत्वपूर्ण नम्र निवेदन, कृपया सभी सम्माननीय नेतागण व सभी EPS 95 के सदस्यगण कृपया ध्यान दीजिए। आज देश कोरोना महामारी से प्रभावी रीति से लड़ रहा है। इस संकट की घड़ी में हम EPS 95 पेंशन धारक क्या देश को कुछ आर्थिक अवसर कर सकते हैं? इस मुद्दे पर NSE के वरिष्ठ नेताओं में चर्चा हुई और सभी के द्वारा एक दिन की पेंशन राशि का अंशदान निर्णय का एकमत से लिया गया है और ये राशि EPFO द्वारा हमारी पेंशन में से काट कर इस कोरोना महामारी के कार्य हेतु सरकार के खजाने में जमा की जाए। प्रश्न धनराशि का नहीं है, बल्कि हम ज्येष्ठ सदस्यों की भावना का है और सभी के द्वारा सम्मान अंशदान का है। हम EPS 95 पेंशन धारक, जिन्हें केवल 200 से लेकर 2500 रुपये मिलती हैं, जब वह देश को सहयोग के लिए सामने आए और एक दिन की पेंशन का अंशदान देने को तैयार हैं, तो ये संदेश एक प्रेरणादायक राष्ट्र को जाएगा। NSE के एकमत के निर्णय के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय श्रम मंत्री जी, माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, सभी माननीय CBT सदस्य व CFPC के इस संदर्भ में पत्र लिखा गया जो प्रसारित किया जा रहा है। जब हमारा संगठन EPS 95 पेंशन धारकों के सभी मुद्दों जैसे हायर पेंशन, मिनिमम पेंशन, मेडिकल फैसिलिटीज, छूटे हुए पेंशन धारकों को EPS 95 स्कीम के दायरे में लाना आदि इन सभी मुद्दों पर अखंडित संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारे सभी सदस्यों ने उनकी ओर से NSE के नेताओं को निर्णय लेने का भी अधिकार दिया है। सभी नेताओं से नम्र निवेदन है कि NSE द्वारा लिए गए निर्णय को प्रत्येक EPS 95 सदस्य तक पहुंचाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम ज्येष्ठ जवाबदार नेता सदस्य होने के नाते अपना कर्तव्य करेंगे। नम्र निवेदन, ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, आपका अपना कमांडर अशोक राउत, राष्ट्रीय अध्यक्ष EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहेगी।